दिव्य ज्योति जागृति संस्था नेत्रहीन लोगों और कैदियों के लिए एक फाउंडेशन चलाती है। इसके द्वारा लोगों को साबुन, बिस्कुट और अन्य चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इनको रोजगार दिया जाता है। ज्यादा जानकारी देते हुए पीयूष ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा समय समय पर स्टॉल लगाए जाते हैं। इन स्टॉलों पर रखी गई सामग्रियाँ नेत्रहीन और कैदियों द्वारा बनाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रोडक्ट मार्केट के रेट से आधे दाम पर उपलब्ध होते हैं। जो विकलांग लोग या नेत्रहीन लोग बना रहे हैं वो दिल्ली में हमारी फैक्ट्री स्थापित है, जिसमें 60 से 100 लोग कम से कम जुड़े हैं, जो धीरे धीरे उसका स्केल हम बढ़ाते जा रहे हैं। और इसमें जो विकलांग है, जो देख नहीं सकते थे, जो सड़कों पर भीख मांग रहे थे या सिग्नल्स पे, उनको यहाँ मौका दिया गया है, वो यहाँ पर आते हैं। वो कैंडल्स के साथ साथ साबुन, मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ वो जो भी इनमें से सेल होती है वो उनको एज अ इनकम मिलती है, उनको सैलरी मिलती है पर मंथ। और इसी के साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो तिहाड़ जेल में बनाए जा रहे हैं, जो कैदियों की तरफ से बनाए जाते हैं। होली के रंग हैं, अगरबत्तियाँ हैं, धूपबत्तियाँ हैं, वो तिहाड़ जेल से बनकर विभिन्न शाखाओं में जा रही हैं। आपको यहाँ भी मिल जाएंगे वो प्रोडक्ट्स, और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कहाँ, अगर प्रोडक्ट किसी को लेने हो तो कहाँ पे अवेलेबल है? अगर यहाँ पे किसी को भी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वह प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे पंथा घाटी के परी महल में, कसुमटी के पास जो पड़ता है, कपूर भवन परी महल शिमला में, वहाँ पर हमारा आश्रम है, जहाँ आप किसी भी समय जाके इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। लिटरेचर है, प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, कोई भी चीज़ है तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।